देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। पुत्र, तूने तो होटल चलाने के साथ साथ कानून की दुकान भी खोल रखी है जी। और मैनू पुलिस बुलाने का कोई शौक नहीं है, पर मैनू अपने नुकसान का हर जाना चाहिए। कितने का था आपका नेकलेस? शिव्या 3 लाख। पूरे 6 लाख का था। जीज, आप होटल में संदीप जी को बोल के मामी जी के अकाउंट में 10 लाख ट्रांसफर करवाइए। This matter is resolved. आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सर। शिव, थैंक यू, मैं नहीं बोल पाया हम शिव सर को। ओ जी, शिव अपने कमरे में ही है, आप लोग जाके थैंक यू बोल सकते हो। छेती छेती जाओ। पर आंटी, कोई गल नहीं, जाओ और जाके थैंक यू बोल दो। जा। थैंक यू आंटी। Yes, come in. तुमने फाइनली नॉक करना सीख लिया? तुम दोनों यहाँ कैसे? कुछ प्रॉब्लम हुई? नहीं सर, हम बस आपको थैंक यू बोलने के लिए आए हैं, वरना आंटी जी तो आज जेल भेज देती। That's fine. Relax. You can leave now. I am sure आपकी और अपॉइंटमेंट्स होंगी। एक मिनट सर। ये गणपति बप्पा का ब्रेसलेट है, मैंने अपने भाई के लिए बनवाया था। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं दे सकती आपको, थैंक यू समझ के रख लीजिए। नहीं, मैं इस सब में विश्वास नहीं करता। प्लीज मना मत कीजिए सर, गणपति बप्पा हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। ओके, आप रख दीजिए एंड थैंक यू। चल तो जा, मैं आती हूँ। ईशानी, इट्स बीन अ लॉन्ग डे, मेरे पास एनर्जी नहीं है ना कुछ बोलने की ना कुछ सुनने की। मुझे भी तुमसे लड़ने का कोई शौक नहीं है शिव, मुझे लगा था कि तुमने मेरी कंप्लेन करी, लेकिन मैं गलत थी। आई एम सॉरी शिव। एक मिनट, क्या बोला तुमने, फिर से बोलना। नहीं, वो जो तुम उचक के ऊपर आके बोलती हो, ऊपर आके कान में बोलना। मैंने कहा आई एम सॉरी शिव। वाओ, ईशानी कुलकर्णी शिव धूपर को सॉरी बोल रही है। आई गेस आई शुड से थैंक यू एंड ऑल्सो तुम जा सकते हो। तुम कुछ नहीं बोलोगे? नहीं, एक्चुअली थोड़ा जल्दी जाओ।
असर हो रहा है, जिक्र में तू मेरे शामिल हो रहा है, फिक्र भी तेरी अब करने लगा हूँ, ये दिल भी जाई जी, आप ना अपनी सारी टेंशन भूल जाओ। क्या कहा था मैंने, कुंडलियां कभी गलत नहीं होती। शिव की जिंदगी में कुड़ी तो ऑलरेडी आ चुकी है। परचाई जी, मैनु लगता है कि ओ कुड़ी ना ईशानी है। ईशानी? शिव, मुझे नहीं पता कि ये सही है या गलत। मैं जानती हूँ कि आपको नहीं पता गरीबी क्या होती है। ये ब्रेसलेट भले ही एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन इस ब्रेसलेट में किसी के सच्चे दिल से दुआ निकली है। अगर तुम पहनोगे तो उसे अच्छा लगेगा। मैं जानता हूँ गरीबी क्या होती है। इन वादियों में टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर, यूं तो कई दिल न लगाया हमने किसी से, किससे सुने हैं यूं तो कई, ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र से हवा। काफिराना सा है इश्क है या क्या है, ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र से हवा। काफिराना सा है इश्क है या क्या है, जैसे मिल रहा हो कोई जायका। काफिराना सा है इश्क है या क्या है। परचाई जी, ये सब ना शिव की कुंडली दा खेल है। जरा सोचिए, जगराते से लेकर अब तक माता रानी ने दोनों को कितनी बार एक दूसरे से मिलवाया है। और परजाई जी वो भूल गई जब सिंदूर से सजे पांव पड़े थे उस कुड़ी के साड़े घर में।
मैंने तो तभी कहा था कि शिव की लाइफ में कुड़ी ऑलरेडी आ चुकी है। ये माता रानी की मेहर ही तो है, हाँ? वरना सोचिए, शिव उस कुड़ी नू क्यों बचाने जाता? हाँ शशि, बात तो बिल्कुल सही है। और जहां तक मैं ईशानी को जानती हूँ, सोनी और सिंपल लड़की है। हमारे शिव और ईशानी की जोड़ी अच्छी बनेगी। ये मैं क्या सुन रही हूँ? शिव ब्रो के साथ वो अर्बन क्लीन वाली ईशानी, मॉम, वो हमारी सोसाइटी और लाइफस्टाइल में एडजस्ट कर पाएगी? तू चुप कर, हम भी तो वही जिंदगी जीकर यहाँ तक पहुंचे हैं ना। और अगर हमारे शिव की जिंदगी में उस लड़की से मिलना लिखा है तो अच्छा ही होगा ना। और शशि, मेरा बस चले ना तो मैं चट मंगनी पट ब्याह कर दूं। चल चल, बाहर चलकर मिलते हैं ना ईशानी को। चलो। ईशानी शिव ब्रो के साथ? आंटी वो अब एक मिनट बेटा। जी जी रामानंद जी, अब ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ मैं समझ सकती हूँ, लेकिन कोई और अरेंजमेंट तो हो सकता है ना। ओके ठीक है। क्या हुआ आंटी, सब ठीक है ना? नहीं बेटा, वो हम लोग हर साल जहाँ होलिका दहन का प्रोग्राम करते हैं ना, इस साल वो ग्राउंड किसी मिनिस्टर ने अपनी बेटी की शादी के लिए बुक किया है, और हमारे खानदान के लिए ये होली का त्योहार बहुत ही खास होता है। खास तौर पर मेरे अनिकेत का पसंदीदा त्योहार होता था। अनिकेत? अनिकेत कौन है? अनिकेत भैया हमारे घर की लाइफलाइन थे। थे? हाँ, आई मीन अब वो हमारे बीच नहीं रहे। आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था वो। कोई बात नहीं मम्मा, हम सब जाके मल्होत्रा अंकल के फार्म हाउस पे होलिका दहन सेलिब्रेट कर सकते हैं। नहीं टीना, वहाँ सारे नकली अमीरों की बारात होती है, होलिका दहन कम और प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्यादा लगती है मुझे। आंटी अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ बोलूं? हाँ बेटा बोलो। हमारे कॉलोनी में ना होलिका दहन का प्रोग्राम बहुत अच्छे से मनाते, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो आप हमारे यहाँ आ सकते। अच्छा सच्ची? मेरा मतलब है आपकी फैमिली वाले भी वहाँ होंगे ना? जी ठीक है, हम लोग आ जाएंगे। ओ जी, तो बात बन गई, आपके परिवार वाले से ना वही मिलेंगे हम, है ना पटराई जी? जी आंटी, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि पूरे दिल्ली में आपने ऐसा मराठी स्टाइल होलिका दहन का प्रोग्राम कभी नहीं देखा होगा। हेलो ब्यूटीफुल लेडीज, ईशानी तुम यहाँ? और ये होलिका दहन के बारे में क्या बातें चल रही हैं? अरे यश पुत्र, इस बारी होली का दहन हम ईशानी की कॉलोनी में कर रहे हैं। सारे परिवार नू एक साथ बुलाया है। पूरी फैमिली वहाँ रहेगी तो पूजा भी वहाँ होगी ना? माइंड ब्लोइंग है जी, बहुत अच्छा डिसीजन है। आई मीन पूरी फैमिली को साथ चलना चाहिए। ठीक है आंटी, मैं निकलती हूँ। अच्छा आप तैयार हो जाइए, मैं आपको पिकअप करने आ जाऊंगी। ठीक है बेटा। तीना खड़ी क्या हो, जाओ सबको बोलो तैयार हो जाएं। हाँ ठीक है ठीक है। ओए नोटी नोट, नोटी नोट, ओए ओए कमाल करता जानी तूने तो, उठा करके मौके पे चौका मारता, ओए दिल खुश कर दिता तूने तो। ओए ओ जी, तू अड्डी से स्माइल के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पर सच्ची गल दसा ओ जी, अभी ना इतने टप्पे पार दी जरूरत नहीं है। कुछ देखो ना, 3 लाख के बदले 10 लाख ही तो मिले, लेकिन वो शिव, वो तो जी अभी भी करोड़ों में खेल रहा है। ओए सच के ऊपर वाला, सच बोलू ना तो धीरे धीरे करके परिवार व्यापार, मैं तो कहता हूँ कि सारी की सारी दीवार गिरा देनी है हमने मिलके। ओए ओ जी छेती छेती कुछ करो, उनका अपना इंतजार नहीं होता बस। ओ हाँ जी इंस्पेक्टर साहब। और भूपी भाई साहब, आपका मिस कॉल देखा, कोई काम था के? ओ हाँ, वो आपके इलाके में ना फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा था एक कबूतर। ओए ओटीपी शोटीपी मांग रहा था मेरे से, और पैसे नंबर सेव करा है मैंने, दबोच लो कबूतर को। अरे आपके साथ भी हुआ के? पूरे दिल्ली में कांड कर रखा है कबूतरों ने। बाहर से आया हुआ गेंगे, कुरुक्षेत्र से, पहले अमृतसर में था, अब दिल्ली में आया है। वैसे आप टेंशन ना लो भाई साहब, जल्दी दबोच लेंगे इस गैंग को। ओए नंबर तो नोट कर ले काके, और भेज देता हूँ अभी तेरे को। अरे भाई साहब वो नंबर तो कब का बदल दिया होगा। फिर भी आप मैसेज कर
कर दो। कोई ना कोई तो गलती करेंगे ही। पास लेंगे, छोड़ेंगे नहीं उनको। चल लग जा काम पे, एक और पिज्जा ऑर्डर करता हूँ। शक्ल तो दोबारा दिखानी पड़ेगी मैम, दिखानी पड़ेगी। हेलो, आई वांट टू ऑर्डर पिज्जा। ए काय टाइम पास करते हाँ, कब तैयार होगी? अरे तू का पूजा, तू भी अभी तक तैयार नहीं हुई। तुम लड़कियों को ना कान पकड़ के ना काम करवाने पड़ते। ए, ये क्या? ये ऐसे कपड़े पहनेगी तू? जा जाके अच्छे कपड़े पहन कर आ। अहो, आप क्या पूरनपोली बनाते रहोगे 100 साल तक? वहां पर होलिका दहन का कार्यक्रम शुरू भी हो जाएगा और आप है कि यहाँ पर पूरनपोली और गुजिया बनाते रह जाओगे। हाँ रे बाबा, हो गया बस। अरे ये इशू नहीं आई अभी तक। हो गया आपका इशू पुराण शुरू। अब एक काम कीजिए, ईशानी के नाम पर है ना एक पुराण लिख दीजिए। अरे कभी तो अपनी बच्चियों के बारे में सोचा करो। पूजा, रचू और नीति तीनों घर में है ना, हमारी आंखों के सामने। इशू ही बाहर गए ना, आज के दिन काम कर रही है वो, इसलिए पूछ रहा हूँ। पूजा तू इशू को फोन लगा। हाँ बाबा। ताई मैं आ गई, चल मैं तेरी मदद करती हूँ। ये सब हो गया तो हम रेडी हो जाएंगे। हाँ, ये अभी पूरन पोली भी तैयार हो गई है। मैं अभी तुझे ही फोन लगाने को बोला था इसे। अच्छा हो गया तू आ गई। चलो अभी जल्दी तैयार हो जाओ, अपने को होली के दहन के प्रोग्राम में जाना है। हाँ बाबा, वो मुझे आपको बताना था कि होली का दहन के प्रोग्राम में मैंने शिव धोपे के घर वालों को भी बुलाया है। क्या? अच्छा? हाँ। वो लोग यहाँ आने वाले हैं? हाँ, मतलब मैंने उन्हें आने के लिए बोला और उन्होंने हाँ बोल दिया। मतलब वो शिव धूपर भी आ रहा है? उसका नहीं पता, लेकिन उसके घर वाले जरूर आएंगे। आई, आपको चलेगा ना? अगर चलेगा काय दौड़ेगा, पहली बार तूने अपना दिमाग लगाया है शानी। इतने अमीर लोग हैं वो, यहाँ आएंगे तो हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। और वैसे भी शिव और पूजा एक साथ काम करते हैं तो उन दोनों को घुलने मिलने का टाइम भी मिल जाएगा। पूजा, मैं क्या कह रही हूँ, तू ना एकदम अच्छे से तैयार हो जा, और वो मेरी नथ और मेरा नया वाला सेट है ना वो पहनना, और तुझे वो वुमन यहाँ पे मिला है ना ब्रेसलेट वो भी पहनना। हाँ आई, होलिका दहन का प्रोग्राम है, किसी की शादी नहीं है। पूजा, इस घर में दिमाग चलाने का काम मेरा है, तो मैं जो कह रही हूँ ना वही कर। हाँ तू एक काम कर, तू ना नववारी पहन। हाँ चल, नववारी चल ना, नववारी साड़ी। सर आपका पिज्जा कैश ऑन डिलीवरी है, 375 रुपए हुए।
थैंक यू सर, प्लीज रेटिंग दे दीजिएगा। लास्ट टाइम मैं लड़की देने आई थी पिज्जा, लंबे लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, नहीं वो लास्ट टाइम पैसे कम पड़ गए थे, दे नहीं पाया उनको, तो कैसे दूं उनको पैसे? एक मिनट सर, सर लास्ट टाइम आपके यहाँ जिसने डिलीवरी की थी उसका नाम ईशानी कुलकर्णी है। थैंक यू भाई, थैंक यू। ईशानी कुलकर्णी।